आज हुए चुनाव तो किसकी सरकार, राहुल गांधी को लेकर चौंकाने वाला सर्वे, टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी का बड़ा सर्वे। लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यही वजह है कि हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पर काम करने को लगी हुई है। विपक्षी भी खुद को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रहा है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये आंकड़े हैं आज हुए चुनाव को लेकर, आंकड़े जो बताते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो कौन बाजी मारेगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। इस सर्वे में पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। एक सर्वे में एक सैंपल साइज 135,000 है, यानी सर्वे को तैयार करने में इतने लोगों की प्रतिक्रिया ली गई है। इसमें 60% लोगों की प्रतिक्रिया टेलीफोन से और 40% डोर टू डोर जाकर ली गई है। ये सर्वे उस वक्त भी जारी रहा जब विपक्षी दल पटना में एकजुटता की कवायद देने में लगे थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि लोगों के मूड में इस बात से कोई स्विंग देखने को नहीं मिला। सर्वे से स्पष्ट है कि लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बना हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के लिए किए गए इस सर्वे में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर आज चुनाव हुए तो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की वापसी तय है। सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 285 से लेकर 325 तक सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 111 से 149 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 20 से 22, वाईएसआरसीपी को 24-25, बीजेडी को 11 से 14, बीआरएस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 4 से 7, सपा को 4 से 8 और अन्य को 18 से 38 तक सीटें मिल सकती है। सर्वे एजेंसी ने ये सर्वे करने के लिए काफी लोगों से बात की है। एजेंसी का दावा है कि उसका सैंपल साइज 135,000 है। इसमें से 60% लोगों की राय टेलीफोन के जरिए ली गई है, जबकि 40% लोगों से उनके पास जाकर सवाल पूछा गया। बता दें कि इस साल के शुरुआत में भी एक सर्वे किया गया था। ये सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर का था, जिसमें जनता की राय पूछी गई थी। साल की शुरुआत में हुआ ये सर्वे तब किया गया जब पूर्व सांसद राहुल गांधी केरल से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। इसमें भी बीजेपी गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी के संकेत मिले थे। एनडीए को उस समय 298 सीटें दी गई थी, जबकि यूपीए के पास 153 सीटें आई थी। वहीं अन्य के खाते में 92 सीटें थी। वोट फीसदी की बात करें तब एनडीए को 43, यूपीए को 29 और अन्य को 28% वोट मिलते दिख रहे थे। तब लोगों से सवाल किया गया था कि आपको एनडीए सरकार का कामकाज कैसा लगा, तो 67% लोगों ने बहुत अच्छा लगा जवाब दिया था, 11% ने अच्छा और 18% लोगों ने कहा था कि उन्हें कामकाज खराब लगा। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।